नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और द शतम की यहाँ होने जा रही है शुरुआत, हमारा द 100 टूर्नामेंट विद इंडियन प्लेयर्स। और टीमें तैयार हैं, फॉर्मेट आपके सामने आएगा मेरे अगले एंटर पर। और कुछ इस तरह का कंपटीशन बनकर आया है। लेफ्ट साइड में ऊपर आप देख सकते हैं 100S, मतलब कि शतम का जो है, यहाँ पर असली लोगो नहीं है लेकिन 100 टूर्नामेंट है उस हिसाब से है। और ये है शेड्यूल, ये मैं दिखाना रह गया था, सेमीफाइनल और फिर फाइनल होंगे। टॉप 4 टीमें जाएंगी आगे के हिस्से में और फिर फाइनल होगा। हर टीम को 7 मैचेस खेलने हैं, मतलब कि टोटल 7 राउंड्स हैं। उसमें पहला मैच आज होने वाला है बंगाल रॉयल्स, अरे नाम मैं खुद ही भूल गया यार, बंगाल रस्कसास वर्सेस उर्दू उत्साद के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लेफ्ट राइट बनने वाला हूँ हर मैच में टीमें। तो ये है पहला मैच। अगर आप कप्तानों की बात करते हैं तो बंगाल की कप्तानी चल गई है गेल के पास और उर्दू की कप्तानी कर रहे हैं रहा ने। नया टीम कॉम्बिनेशन, नए प्लेयर्स, देखने में बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर ये देख सकते हैं प्रोमो हमारा बंगाल और उर्दू का। ये है प्लेइंग 11, देख सकते हैं। किस्मत वाला था मैं कि हर टीम में कीपर भी आ गया रैंडम में। पहला टॉस, टेल्स का कॉल है उर्दू उस्ताद की तरफ से और जीता भी टॉस उन्होंने, मतलब कि अपोजिशन ने टॉस जीता है। यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग का फैसला उनके पास और डे 5 हैवी क्रैक वाले पिच है और रनचेज में बहुत वीक हो गया हूँ मैं और बदकिस्मती की रनचेज ही मिला है बंगाल को। शुरुआत डिकॉक और लबुशेन, गेंदबाजी में बोल्ट, टूर्नामेंट का पहला गेंद और शुरुआत की चौके से डिकॉक ने, एक बेहतरीन शुरुआत टूर्नामेंट की। अरे गेल कीपिंग में क्या कर रहे हैं, अरे मैंने तो बदला था लाइनअप यार। वुडलैंड पे काफी असरकारक साबित हुए लेकिन मिल गई गेंद लेग साइड, डिकॉक ने भेजा है 4 के लिए, डबल डिजिट में स्कोर। पता नहीं मैंने कस्टम टीम बनाई थी, मतलब लाइनअप सेट किया था लेकिन सेटअप बदल चुका है पता नहीं कैसे इस टूर्नामेंट में। चौका लगाया, नई गेंदबाजी आई है एंडरसन के नाम और चौके से स्वागत टूर्नामेंट में इनका। हुसैन तैयार, स्ट्रेट हिट, एंडरसन का रिएक्शन बेहतर हो सकता था, रन आउट का भी ऑप्शन जा सकता था अगर फील्डर का रिएक्शन बढ़िया होता तो। जितना ऑफसाइड हो सकता है गेंद वहीं रखने की कोशिश। बॉटम है सचिन के पास, डॉट, एंडरसन को कंटिन्यू रखा है लेकिन डिकॉक ने मौका देख के हिट किया है छक्का। स्पेल पूरा हुआ था, चौका है, काफी क्लोज गिरा है। 11 में 19, फिर से वही लेकिन इस बार बीट। यॉर्कर की इस कोशिश को नाकामयाब किया, एक्चुअली गेंदबाज की गलती थी, फुल लेंथ बना दिया था गेंद को और फायदा बल्लेबाज को चौके के रूप में। कुछ भी करके इस खिलाड़ी को रोकना होगा, नाम है डिकॉक। अब ऑफसाइड पर भी बड़े हिट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बैकफुट पंच कवर से 4 रन। अंत तक फील्डर को पूरी मेहनत कराया, पूरा चक्कर मराया ग्राउंड का। मिली थी हाँ लेग साइड पर गेंद मिली थी, नो डाउट फील्डर था वहाँ पर लेकिन इतनी दूरी से खेला उससे और 38 बीट कराने में सबसे बड़ी सफलता मिल गई थी। तो 4 इस मैदान पे ये खिलाड़ी वन मैन शो दिखा रहा है डिकॉक। बारी अब लबुशेन के बल्ले से देखने की कुछ रन, ये पहला रन है इनका, 32 स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं और तब जाके लबुशेन का खाता खुला है। 4 गेंदों में 9 पिटते हुए यहाँ पर राना और धुलाई और पिटाई और यहाँ पे 24 गेंदों में 40 स्ट्रेट हिट, कैच का चांस बन रहा है। एक्चुअली रीजन ये है कि गेंद दूर नहीं जा पा रहा, मैंने जो कैमरा एंगल बदला है उसमें प्रो केम लगाया है। ये कैरी हुआ है कि नहीं, ये हुई ना बात, क्वेंटन डिकॉक की बड़ी सफलता। एक्चुअली बदकिस्मती देखो, ये पहले आने वाले थे भज्जी, मैंने इनको डिले किया था। वितारीब नाम है अय्यर, बड़ी सफलता सबसे बड़ी। इससे पहले विकेट और इस गेंद पे चौका, रहाने की इनिंग का आगाज हुआ है 4 के साथ। भज्जी को समझना होगा इनको, ऐसा लगा कि रहाने चौका लगाना भूल ही गए हैं। 3 गेंदें डॉट खेली थी पर मिल गई एक और स्ट्रेट गेंद, एक और स्ट्रेट हिट और जड़ दिया चौका। मिल गया रूम बनाने का मौका, जड़ दिया चौका पॉइंट पर से, 38 पे ही था। इस वक्त फील्डिंग सेटअप की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रहा है ये पॉइंट पोजीशन। तो अब हम जाएंगे कस्टम फील्डिंग सेटअप में, लगाएंगे फील्डर को डीप में पॉइंट पर से। रहा ने फिर से सही है, अरे नहीं नहीं, ओ चौका। इस समय लग रहा है AI को स्क्वायर के अलावा, ये बढ़िया गेंद, बहुत देर बाद स्क्वायर कट के अलावा कोई शॉट खेला, उस पर भी बीट। एक्स्ट्रा बाउंस की उम्मीद है, ओ क्विक गेन, 98 का पेस और रिटर्न और डंडा गुल भाई। भज्जी तो छा गए इस पिच पे, ऐसा नहीं है कि ये अकेले इतने रेटेड गेंदबाज हैं, और कोई गेंदबाज है नहीं, एंडरसन और बाकी के गेंदबाजों की भी रेटिंग भज्जी से ज़्यादा है। गणेश पिच, इस पिच पे जितना ये पिच इनको सूट कर रहा है उतना किसी और गेंदबाज को नहीं कर रहा है। दूसरा झटका दिया है यहाँ पर और लबुशेन भी पवेलियन को ज़्यादा नहीं कर पाए, 8 में 11 ही सिर्फ।
29 पे पहुंचता हुआ स्कोर यहां पे रहाने का शानदार चौके के साथ। भूमिका बदलती हुई नजर आ रही है, डिकॉक की भूमिका में इस वक्त रहाने नजर आ रहे हैं, वन साइड खेल रहे हैं, अकेले बना रहे हैं। जो रोल अभी तक पॉइंट निभा रहा था कि हर शॉट चार में कन्वर्ट हो रहे थे, वही रोल अब मिड विकेट दिखा रहा है। एक और चार यहाँ पे मिड विकेट से, अब इसको भरने का इंतजाम करना होगा। पहुंचते हुए 8 पर पुल शॉट, अरे अरे ये तो चार लग रहा है। चौका रहने का 40s में। सिलेक्शन इस बार बदला, इस बार ना मिड विकेट था ना पॉइंट था, ये पॉइंट कवर का जो बीच का हिस्सा है जब फील्डर्स नहीं है उस पोजीशन में उथप्पा ने हिट किया और चार निकाला है। 8 गेंदों में 19 पिटते हुए और एक बढ़िया गेंद इसी बीच, 9 में 19। मैं तो चाहता हूँ 4-5 गेंदे डॉट जाए, लेकिन ये सचिन के पास हीरो बनने का मौका, गेंद भी छूट रहा है, दूर जा रहा है। अब मैं तो भाई देखो क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, और फाइनली कर ही लिया कैच। अभी तक 2 बार गेंदे गई थी सचिन के पास, हर बार पिच करके जान देंगे, इस बार एक ऑसम कैच स्लिप। अब देखा जाए तो एक्चुअली ये स्लिप का, ये उनका पोजीशन का कैच, हाँ नहीं काफी स्ट्रेच करना पड़ा बॉडी को, बहुत बढ़िया गली में जाके किया कैच। उथप्पा गॉन, गौतम का यहाँ आज के दिन की गेंदबाजी समाप्त होने की तरफ बढ़ रही है, 2 गेंदे बाकी रही है लेकिन चौका खा ही गए। 18 में दे दिए 34, रहाने फ्लाइटेड गेंद एडवांस कैच का चांस, 50 से सिर्फ एक बड़ा हिट दूर है, 4 रन दूर है अभी कैच। ओरे बाप रे, थर्ड पर्सन ये फर्स्ट पर्सन कैमरे में तो बहुत टफ होता है, मैंने दबाया तो सही वक्त पर है और कैरी भी किया गया है। मैं गलत नहीं हूं अगर तो ये कैच भी सेम फील्डर ने किया होगा जिनका उठा ट्रेट हिट, एक बार फिर नाकामयाब रहे हैं यहां पर फेवा बल्लेबाज उर्दू के राजीव किराने कौन अय्यर नहीं किया है। रनों का आगाज कमिंस की तरफ से हुआ है चौके से, एक बार फिर मिड विकेट आया है रेस्क्यू करने उर्दू उस्ताद को, यहाँ के उस्ताद साबित हुए हैं मिड विकेट खेलने में, बाकी स्ट्रेट में फ्लॉप हुए थे। लेफ्ट आर्म ट्रेंट बोल्ट सबसे हाईएस्ट रेटेड गेंदबाज, पहली गेंद पे बीट कमिंस। अब ये शॉट खेलना कहीं और चाह रहे थे, गया कहीं और है, दिया था रूम पॉइंट पे, गया गली से, जो भी है बल्लेबाज को फायदा। कमिंस के नाम 4, 14 में 22, नॉट बैड। ओ भाई फील्डर पोजीशन में आया है, अरे कैच ड्रॉप, इस बार तो सबसे ज्यादा विश्वास था कि कर लेगा मुझे, मैंने इसलिए कहा भी नहीं कि ड्रॉप होगा क्या होगा। एक चीज पक्की ले लो आप, मिड विकेट पे अगर जा रहे हैं शॉट तो चौके कंफर्म है, और ऐसा नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ वहां का, मैं जा रहा हूँ दूर रहे ऑफ साइड रहे, लेकिन मिडल आ ही जाता है कहीं ना कहीं, इतना बड़ा रेंज है ना मिड विकेट हिट करने का। कहना पड़ेगा कि कमिंस बेहतर खेल रहे हैं, एक और चौका जड़ दिया स्क्वायर के करीब से, भज्जी का बॉलिंग कार्ड बिगड़ता हुआ, और इस बार तो और बेहतर फाइन लेग के करीब से 3रा चौका भज्जी को, सारा कॉन्फिडेंस खत्म यहाँ पे हमारा जो भज्जी के साथ था एटलीस्ट। तो कमिंस बीट रहे हैं, क्या अगला सजेशंस काम आएगा, जी नहीं, चौथा चौका स्पेल का, 5 में से 4 चौके लगा, साइड चेंज और हालात भी चेंज, बीट होते हुए आ रहे हैं। जब ऑफसाइड की लाइन पे सेट हुए थे गेंदबाज बोल्ट, यहाँ पर एक इनसाइड है और ये भी दे रही है 4, मौका ही नहीं दिया गेल को जंप वंप करने। मैं कमियां निकाल रहा था यूवी की, तभी एक लॉन्ग ऑफ से चौका जड़ दिया, एंडरसन की गेंद, लेग साइड तो देनी ही नहीं है। अब ये कवर एक नई तकलीफ ला रहा है, ये लॉन्ग ऑफ नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ, जास की पार्टनरशिप भारी पड़ गया ये स्पेल में। अरे कीपर सर पे लगी बेचारे गेल के, अभी बैटिंग भी करनी, ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहना था। राणा जी देखते रह गए और यूवी का चौका स्क्वायर से, पोजीशन सभी खिलाड़ियों को बाल खुजाने पे मजबूर कर दिया है, फाइन लेग लॉन्ग ऑफ कवर स्क्वायर, यूवी अब हर तरफ पीट रहे हैं। अब आम बॉल ही सहारा है, लेकिन ये सहारा यूवी का सहारा है, जड़ दिया 4, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, क्री गेंद एज, क्या गेल, एक मौका मिला था कैच का, बज्जी के सामने एक बार फिर डोमिनेट करते हुए कमिंस, चौका मिड विकेट से, इस बार 6 गेंदों में चाहिए 180 के लिए, 11 और टॉप स्पिन, स्ट्रेट हिट नहीं, ये इस बार फील्डर नीचे नहीं आएगा, इस बार चौका है, और रे देखते रह गए फील्डर डीप में, राइट आर्म ब्राउन एंडरसन बल्ले पे मत आन देना, आई तो फिर 4, ये तो भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट, 50 लगा है कमिंस के बल्ले से, मैच का पहला अर्धशतक, 2 प्लेयर पहुंचे थे डिकॉक और रहाने, दोनों 50 के पहले आउट, लेकिन कमिंस का चौक, स्ट्रेट साइड खेलेंगे, वाइड गेंद, चलो कम से कम कीपर ने एफर्ट डाला, गेल यॉर्कर का हथियार काम कर रहा है, वाइड यॉर्कर रखने की कोशिश, बल्ले से हिट, कवर से नहीं, 4 नहीं है 2 है, 180 एग्जैक्ट मारा, बदकिस्मती देखो, मैच विनिंग टोटल है 180, तो आराम से मेरे ख्याल से डोमिनेशन के साथ जीतना चाहिए उर्दू को। बैटिंग में 3 परफॉर्मेंस 4 परफॉर्मेंस खास, 2 ने निराश किया लबुशैन और उथप्पा ने,
बाकी ऑसम पारी डिकॉग, ऑसम पारी रहाने, ऑसम यूवी, ऑसम कमेंस, सबसे हाईस्ट रहे कमेंस। गेंदबाजी में सबसे खास परफॉर्मेंस रहा है बोल्ट का, भज्जी ने भी अच्छा किया लेकिन आखिरी सेशन में कुछ पिट गए, आखिरी से दूसरा वाला सेशन 181 भाई बहुत टफ है, पर देखते हैं कितना कर पाते हैं हम। नई जोड़ी गेल और गिल एक बार फिर आ रहे हैं, नई नहीं है हमारे चैनल पे, पुरानी है ये है। जैक खान के सामने गेंदबाजी, गिल तैयार बीट होने के लिए, गेल खतरे में, ओ नेक्स्ट टाइम नहीं दौड़ूंगा, अभी शुरू में ज्यादा ही रिस्क ले लिया मैंने, किसी एक को तो रिस्क लेना होगा, गेल ने लिया है रिस्क, फील्डर के ऊपर से दो फील्डर्स के बीच से निकाला चार, एक चार फिर से अटेम्प्ट बाउंड्री का ही, अब ये तो देखा जाए साफ साफ वाइट है, वार्निंग देके छोड़े तो भी गलत है, वो भी नहीं थी। गेंदें आ रही हैं ऊंची, इसीलिए शॉट्स नहीं लगा पा रहे, ये किनारा लगा है कि बल्ले से दूर थी गेंद, चार रन है, किनारा लग के गई है, अब तो रिस्क भी था थोड़ा, इनसाइड एज और चार अभी के लिए। कुलदीप तेज गेंद, कैच का मौका, गिल गए पवेलियन, क्रॉस खेलना चाह रहे थे, दूर खेलना चाह रहे थे, गिरा 38 में फील्डर्स के पास, फील्डर्स के हाथों में, जिस तरह से यादव गेंदबाजी कर रहे हैं एक महंगा ओवर जाना चाहिए। वाइड गेंद, सचिन गिल को दिखाएंगे कैसे खेला जाता है ये शॉट, कुछ बेहतर नहीं खेले, ये भी कैच आउट ही होते हैं, पर अभी फील्डर है नहीं तो दो रन। एक और स्पिनर, ए बच्चा, अरे बाप रे, रहाने खड़े हैं लेग स्लिप में, बच गए कैच आउट देने से हम लोग, तो गेल का बल्ला फाइनली आग उगला है यहाँ पे इस गेंद पर, इससे पहले बीट हुए थे लेग स्लिप मारने में, इस बार फ्रंट फुट पे खेला और छक्का जड़ा है, बहुत क्लोज सिक्स था, सेम अंदाज, एक और बाउंड्री गेल के बल्ले से, वही पोजीशन फाइनल के करीब, तो गेल की तीसरी बाउंड्री लगती हुई इस बार ऑफ साइड पर, टाइमिंग जरूर थोड़ा कम है लेकिन अभी स्कोर कार्ड में चार जुड़ रहे हैं, ये मायने रख रहा है, नेक्स्ट टाइम बेहतर खेलें तो छह भी जा सकते हैं। अगली गेंद, गेल के नाम, बैक फुट पंच, ऑसम, खत्म, चौका, तेंदुलकर बहुत ऊंची गेंद, चलिए फायदा देके गई क्योंकि डिकॉक ने कोशिश नहीं की रोकने की, वाइड मिलेगी कि नहीं, हाँ पांच रन, तो असली मजा तो गेल को है, अरे ये शॉट मिस नहीं होना था, दो लेंगे क्या, ले सकते हैं, नहीं 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 नहीं, तेंदुलकर एक और ऊंची गेंद, ये सही है, वाइड दे दो और फिर पांच, अगर नहीं मुझे नहीं लग रहा, हाँ बाय का चार, कमिंस एच और लीजिए, ये जैक ने पूरी कोशिश की थी इस तरह की गेंदें करने की लेकिन हर बार वो गेंदें चली जा रही थी वाइड या तो फिर बाउंस, और सैनी ने भी की थी, इन द एंड कमिंस का ही दिन लग रहा है, सचिन का बड़ा विकेट ले गए हैं, वही ऑफसाइड बाउंसर गेंद जो कमजोरी साबित होती सभी की, आठ में सात, इस स्पेल के दो बाकी गेंदें और दो 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 निकालना, गलत, बहुत गलत, अरे लगा ही नहीं स्टंप पे, वाह बेटा गेम के बग जिंदाबाद। आखिरी गेंद हो सकता है स्पेल का, रे ओवर थ्रो हुआ है और लीजिए चार रन, तो उर्दू खुद ब खुद ही गलतियां कर रहे हैं, उर्दू उस साथ लेग साइड पे गेंदें होती रहेंगी तो फिर बड़े शॉट लगते रहेंगे, बल्कि मैं तो मिस कर रहा हूँ, मतलब अगर 10 गेंदें आई तो सिर्फ चार या पांच पर ही बड़े शॉट लगा पाए हैं, उस पर भी सब पे चार नहीं गए, तो समझदार हो गए अब, और रे बढ़िया, ए रन आउट गेल होगा, बचाना भाई इसको तो खास करके, रिस्क के मूड में फ्लैट शॉट चार रन, नेक्स्ट टाइम कैच भी हो सकते हैं, फ्लैट जा रहा है, मैं एक्चुअली थोड़ा और ऊपर से खेलना चाह रहा हूँ पर ये ऑप्शन मेरे पास नहीं होता, उसके लिए तो टाइमिंग और गेम का मैकेनिज्म ही काम करता है, तो फिर से वही लेग साइड की गेंद मिली, फिर से वही स्क्वायर पे मारा है, इस बार बेहतर, पिछली बार थोड़ा सा फ्लैट रहा था, इस बार तो अच्छी खासी दूरी थी, क्लीन हिट था, चार रन, रन रेट रन चेज रहता है 100 के नीचे, से दो दूर, और ये दूरी अब हमेशा के लिए इस मैच में तो यही रहेगी, दो की ही दूरी रहेगी, मिस कर ही गए शॉट, वरुण को मिली गई सफलता, इसे कहते हैं ना हार मानने का जज्बा, बहुत पिटाई हुई थी लेकिन अंत में वही लाइन पकड़ के रखी और गेल को पवेलियन भेज दिया। एक बार फिर बाउंसर्स गेंदें आ रही हैं, ले इस बार गुड लेंथ मिली थी और सैमसन ने पॉइंट से भेज दिया उसे छह के लिए, रिस्क के मूड में थे गेंदबाज फिर से उसी लाइन पे और बल्लेबाज थोड़ा सा मिस भी किया शॉट, जो पॉइंट से जाता था वो कवर के करीब से गया, फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन गया है छह ही, मैच जल्दी खत्म करना चाहते हैं, ओ फुल लेंथ गेंद, जब आपकी गुड लेंथ पे पड़ रही है तो फुल लेंथ का तो यही हाल होगा, 50 में 75 और ये चलो अभी तो सेफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, अरे गलती 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 गलती, बच गए, अरे मेरे ख्याल से तो बच गए सैमसन, अरे बहुत बड़ा झटका होगा ये, पहले तो कैच से बचे, हाँ भाई वही तो, दूर से तो यही लग रहा था नॉट आउट है, अरे आउट दे दिया श्री अय्यर को, अरे क्यों, लेकिन
गेम का बग, जिंदाबाद नहीं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहां से जज करिए कहां से आउट है, बैट घसीटता हुआ जा रहा है, पूरा घसीटता हुआ जा रहा है। बोलना मत कि वो इंसान हवा मतलब इतनी एक इंच की दूरी पे बैट रख के दौड़ेगा, क्या यार रन आउट बग्स अभी भी हैं। शॉट खेला था लॉन्ग ऑन पे और मैंने पहले ही बताया कि मैं भी ग्राउंड शॉट्स ले रहा था और ये तेज खेला था हमने एकदम सटीक टाइमिंग के, भारी पड़ गया संजय को और गॉन, पांचवा विकेट। ये तो गेम बदल रहा। राणा बैटिंग में, अब लेग साइड पे पूरा मौका है हिट करने का। चलिए पुजारा खेल रहे हैं, अब चार मिल ही गया, रिस्क ले रहे हैं। फ्लैग, अरे खत्म खत्म, पूरा फ्लैट चला गया, जैसे मैच कैच प्रैक्टिस नहीं कराते, कैच प्रैक्टिस करा दी पुजारा ने यहाँ पर। राणा स्ट्राइक पे, जरूरत नहीं थी, मैंने ही लिया है पर बिना मतलब ले लिया, वो भी पॉइंट वाला। चक्रवर्ती की खासियत है रिस्क बहुत लेते हैं, वाइड गेंद, उसी चक्कर में पिटे हैं आज खूब, सब लेग साइड से गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट यही एक तरीका है, बढ़िया फील्डिंग, मिस होते तो चार जाता। टर्म ओवर, स्ट्रेट हिट, ओ भज्जी पीछे, हाँ अच्छा गेंद छूट गई, और ये किसको दे दिया, ये किसको दे रहे हैं, चलो उल्लू बनाते हैं, थोड़ा उल्लू बना रहा हूँ मैं। आ बने 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 नहीं बने, ए बने 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 बन गए, बन गए दो लेने के उल्लू, नहीं इतना उल्लू मत बनाओ उनको। आ सही है, एक रन आएगी। 22 में 27, अरे चौके जा ही नहीं रहे, तीसरा अटेम्प्ट ये मेरा इसी दिशा से खेलने का, हर बार दो आया है, बस एक बात है कि पहला दो बहुत क्लोज था, दूसरा उससे कम और तीसरा क्लीन हिट, क्लीन दो रन है। नटराजन का ये लास्ट भी हो सकता है स्पेल, लो भाई चौथे छक्का, चौथे अटेम्प्ट में सारी दूरी खत्म, रन और बॉल की कमिंस को पहले लाना था, वाइड गेंद, वाइड गेंद एम्पायर, ओ डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग उन, अरे मोस्टली शॉर्ट पिच, और लीजिए जानबूझ के ऑफसाइड खेला, स्विंग मिला वाइड, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो चार तो हैं। बाय मिंस का स्कोर जरूर 12 में 13 दिख रहा है, ऑसम गेंदबाजी, लेकिन वो एक्चुअली 11 एक्स्ट्रा दे चुके हैं तो वो एक्चुअली 23 है। पार्टनरशिप 50 की, यहाँ पे भज्जी और राणा के, यहाँ पे बढ़िया फ्लिक, बहुत देर के बाद चौका भज्जी के बल्ले से, और ऐसे वक्त पे आया है कह सकते हैं फाइनल नेल ऑन द कॉफिन है, यहाँ से हराना बंगाली रसज्जी सिंह। एक और ऊंचा लॉफ्टेड शॉट, ये भी चार है, दोनों बार क्लोज था लेकिन चार है, इस बार पुल शॉट, और अब से तीन दूर, एक बड़ा हिट दूर है हम लोग, द 100 की बेस्ट पारी है मेरे बेस्ट रन चेज, विनिंग शॉट के लिए तैयार, और जड़ा है पुल, जड़ा है विनिंग शॉट चौके के साथ, अब से बेस्ट रन चेज, द 100 में मैं 180 सोचता ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा चेज, लेकिन इस टीम के साथ कर गया, ना मैं बंगाली रख सका। तो ये रहा स्कोर कार्ड, भज्जी सिंह मैन ऑफ द मैच, मैंने पहले ही कहा था कि अगर सामने वाली टीम के पास कमिंस हैं तो हमारे पास भज्जी हैं, और परफॉर्मेंस ओपी देखे गए, रैंकिंग में टॉप पे, अच्छा खासा 1.22 का नेट रन रेट ले लिया है, उर्दू उस्ताद भाई उस्ताद जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, देखते आने वाले मैचेस किस तरह से बनते हैं, कौन रहता है रैंकिंग में टॉप, कौन यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देता है बल्लेबाजी में गेंदबाजी में, और इन दी एंड कौन सी टीम टॉप फोर और कौन सी टीम कप उठाती है। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में, अभी स्ट्रीम तो चल ही नहीं रहा तो स्ट्रीम पता नहीं यार, इंटरनेट नहीं चल रहा भाई, अपडेट की अगर बात करते हो आप, और कोई आ ही नहीं रहा, कॉल करने के बाद मिलके जाने के बाद भी ऑफिस से कोई देखने तक नहीं आ रहा, मैंने ये भी कहा कि मेरे घर पे आप फिट कर दो नेट, पर नहीं अभी आता है, एक घंटे में जाता है, आप घर पहुंचो आ रहा होगा, पर कोई नहीं आ रहा, तो पता नहीं यार कब आएगा क्या होगा। रुपए भी मेरे 12 महीने के फंस गए, 15 थे, 3 पूरे हो गए, तो 12 महीने के अभी फंसे हुए हैं, देखो क्या होता है यार। बाकी ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस और ऐसे टूर्नामेंट एक्सपेरिमेंट कर सकूं, नहीं तो फिर आधे में छोड़ना पड़ सकता है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभी के लिए बाय बाय, टाटा गुड डे।